हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकलो शशांक। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज सिंग प्ले ऐप, या हम कह सकते हैं कि आप प्रोफेशनल गाना अगर गाना चाहते हैं और प्रोफेशनल गाने के लिए आपको जो है एक अच्छा सा ऐप आपको चाहिए है। प्रोफेशनल से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम चलाओ, प्रोफेशनल मतलब होता है प्रोफेशनल। उसके लिए आपको जो ऐप डाउनलोड करना है उसका नाम है सिंग प्ले ऐप, और इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल हो जाएगा और इसके बाद में ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने जो है यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये फिलहाल ऐड है, ये आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। इसके अंदर में बहुत सारे जो गाने डले होते हैं इसी को आप प्ले करके और उसकी जो वोकल वॉइस को चुप करा के और अपना गाना गा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है चीज़ें आपको यहाँ से ऐसे करनी होगी। अब बात आती है कि क्या गाना अगर जो है वोकल के साथ में हम गाते हैं तो क्या वो अच्छा होता है, तो मैं कहूँगा नहीं, वो आपका इतना अच्छा गाना रिकॉर्ड नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये करना होगा कि कैरियोके को डाउनलोड करना होगा ब्राउज़र से, ताकि जो वो क्लियरली आपका जो है साथ निभा सके। उसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट में जाना है और वहाँ से आपको जो कैरियोके मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि उसका नाम है डाउनलोड कैरियोके music.com। और इसको आप जब इसमें जाएंगे तो जाने के बाद में वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं उस वेबसाइट का नाम, ये यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं डाउनलोड कैरियोके music.com के नाम से। आपने ऊपर देखा होगा यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, इसमें चले जाइए, वहाँ से जो है इस म्यूज़िक को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का ऑप्शन यही है, सबसे पहले तो म्यूज़िक को ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक दिए जाएंगे नीचे, जैसे मैंने अभी एक गाना को ओपन किया है और यहाँ पे इतने सारे लिंक हैं, इसमें से सबको ट्राई कर लीजिए। हालांकि एक से ही आपका गाना जो म्यूज़िक है वो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो और दूसरे लिंक से भी ट्राई करके अपनी म्यूज़िक को डाउनलोड कर लीजिए। हाल फिलहाल मैंने एक म्यूज़िक डाउनलोड करके रखी है, मैं आपको उसको खोल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम वापस चले आते हैं उसी ऐप के अंदर में, ये हमने ऐप ओपन कर लिया। और इसके बाद में यहाँ बीच बीच में एड्स बहुत आती तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये यहाँ से जो है हमने ये लिखा हुआ था गाना, इसको हमने यहाँ पे उठा लिया है। उठाने के बाद में ये गाना बजने लगता है, तो हमने यहाँ पे जो है गाना, यहाँ पे तीन बटन नीचे आपको दी हुई हैं, एक तो और उसके बाजू में दो बटन और दी हुई हैं, जिसमें एक डायरेक्शन इस साइड बना हुआ राइट साइड, एक डायरेक्शन दिया है लेफ्ट साइड। तो इसमें आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग खुद की गाने की आवाज़ इसमें जो रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ पे रिकॉर्ड REC बटन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करिए। और दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग बटन को प्ले कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से आपके सामने आ जाएगा कि हेडफोन आप लगा लीजिए और उसके साथ गाइए। और यहाँ पे आपको टिक पे क्लिक कर देना है, जैसे टिक पे क्लिक करेंगे 3-2-1 होएगा और यहाँ से गाना शुरू हो गया। अब इस पर जो है स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ आपकी जो है लिरिक्स आ जाएगी। लिरिक्स अपने आप तो आएगी नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में कैसे डालना है, ठीक है। तो ये लिरिक्स को पढ़ते जाइए और गाना रिकॉर्ड करते जाइए, फिर बैक करिए और यहाँ से जो बटन दिख रही है इसको वापस प्ले कर दीजिए। ये आपसे पूछेगा सेव दिस परफॉर्मेंस, ओके पे प्रेस कर दीजिए, वो आपकी परफॉर्मेंस जाके सेव हो जाएगी। अब यहाँ से बैक कर दीजिए, आपका काम हो चुका है ख़त्म। अब यहाँ पे जाइए सेटिंग्स में, ऊपर म्यूज़िक लाइब्रेरी के बाजू से यहाँ माई रिकॉर्डिंग लिखा है, ये आपने जो अब भी गाया हुआ है ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। इसको यहाँ से सुनिए, उठा कर यहाँ जहाँ भी डालना चाहते हैं इसके साथ शेयर करिए। इसके बाद में यहाँ पर एक वोकल रोकने के लिए माइक किया है जो साइन बना हुआ है, इसको अगर दबा देते हैं तो जो वोकल है उसका शांत हो जाएगा। सपोज़ आप किसी गाना आपके इसमें पड़ा हुआ है मोबाइल में और उस गाने पे आपको फिर से रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए आपकी जो है उसकी वोकल आवाज़ को शांत करने के लिए यहाँ पे इस बटन को प्ले कर देंगे तो उसकी वोकल शांत हो जाएगी और उसकी जो म्यूज़िक चलती रहेगी उसके साथ में आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन प्ले कर देंगे तो आप बड़ी आसानी से रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। और लास्ट की जो बटन है, फ़िलहाल यहाँ पर जो है अगर आपने कोई भी सॉन्ग डाला हुआ है और उसकी लिरिक्स जो है गाने के साथ तो डाउनलोड होती नहीं है, तो आपको वो अलग से लिरिक्स वहाँ से उठानी है ब्राउज़र से जाके और इस पर क्लिक करिए। अभी यहाँ पे ऐसा स्क्रीन दिख रही है, फ़िलहाल वहाँ पे आपको दिखेगा कोई लिरिक्स नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ साइड में एडिट का ऑप्शन दिया उसको क्लिक करिएगा तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आके इसको पेस्ट किया है वहाँ से कॉपी करके, ठीक है, तो आपको समझने तो आ गया होगा। उसके बाद राइट क्लिक कर दीजिए तो वो आपकी यहाँ सेव हो जाएगी। अब ये लिरिक्स जो है हमारे काम आएगी जब हम गाना रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड के बटन को दबाने के बाद ही हमें यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है स्क्रीन में, तो ये लिरिक्स भी सामने आ जाएगी। तो इसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए, गाते जाइए और गाते गाते और फिर इसको बैक करिएगा और यहाँ पे रिकॉर्डिंग को वापस रोक दीजिएगा तो आपका गाना रिकॉर्ड हो जाएगा। और जैसे ही रोकेंगे तो आपके पास साइन आएगा कि डू यू वॉन्ट टू सेव, तो ओके पे प्रेस कर दीजिएगा। इतना सिंपल है, इस तरह से आप इसको जो है यूज़ करिए। इसमें अगर कोई परेशानी आपको आती है तो हमसे ज़रूर पूछिए। और लिरिक्स और जो कैरियोके दोनों चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो आपको जो है ब्राउज़र से डाउनलोड करनी होगी और वहाँ से लाके अपने आप जो है, एक तो लिरिक्स तो आपको लाके डालनी होगी और कैरियोके म्यूज़िक तो वो अपने आप ही ब्राउज़ कर लेता है। जैसे ही आप बाहर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कैरियोके सॉन्ग्स मैंने जो डाले हुए हैं उन सबका यहाँ पर दिख रहा है, वहीं से उसको बस आपको एक क्लिक में वो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको यूज़ करिए। हालाँकि मैं इसको जो है आपको करके दिखाता, लेकिन जो है रिकॉर्डिंग उसमें नहीं होगी इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों इसको यूज़ करिए, इससे जुड़ा कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बनी रहे टेक विला में। स्टे रॉक।